So, hello everyone, this is Snehil Srivastava, and in this session we will be discussing about the Hindu newspaper analysis, जो कि मैं दो दिनों से नहीं कर पाया, बट आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं आज से. आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके. और एडिटोरियल के साथ साथ द थ्री हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट, मतलब कि तीन हिमालयन प्लांट्स हैं जो IUCN की रेड लिस्ट में एंटर कर चुके हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे. इसमें सबसे पहला है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया है, मीजोट्रोपिस पैलिटा. इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डाल दिया गया है. इसके बाद आता है डैक्टिलोरिजा हैटागिरिया, ये राइट साइड में बना हुआ है पिंक कलर का जो दिख रहा है, पर्पल कलर का हल्का सा, ये जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गया है. मतलब इनके नाम हमें याद रखने कि कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कौन सा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आया है. तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तीसरी जो स्पीशीज़ है उसका नाम है फ्रीटी लॉरिया सिरहोसा, ये वल्नरेबल स्पीशीज़ में आती है. मैंने इन तीनों को येलो कलर से मार्क कर दिया है जिससे कि आप लोग इसको देख सकें. एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक वल्नरेबल है और एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है. ऐसा मतलब इसको क्यों हम लोगों ने, जो पहली है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसको क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हम लोगों ने बनाया, मतलब IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्यों डाला गया. तो इसका रीज़न ये था कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो 10 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया में पाई गई, मतलब कि ये ओवरऑल 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंडर ही पाई जा रही थी. इसका मतलब है कि ये अब धीमे धीमे कम हो रही है. और इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड फॉरेस्ट फायर्स. मतलब ये जो फॉरेस्ट फायर, सीडी फ्रेगमेंटेशन था, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन था और डीफॉरेस्टेशन था, ये सारी चीज़ें इसको मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड बनाती हैं. द एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स पजेस स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, कैन बी अ प्रॉमिसिंग नेचुरल सब्सटीट्यूट फॉर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. मतलब कि इस, ये जो हमारे पास एक मतलब मेडिसिनल प्लांट है मीजोट्रोपिस पैलिटा, इसका जो यूज़ है वो यूज़ पड़ता है ऑयल में. मतलब कि इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी लीव से, वो एक एंटी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है एंड कैन बी प्रॉमिसिंग नेचुरल सब्स्टिट्यूट. मतलब कि ये एक काफ़ी बढ़िया नेचुरल सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं कई चीज़ों में, तो वहाँ पे केमिकल्स मिले होते हैं उसमें, लेकिन इसमें क्या है कि दवाइयों में अब हम लोग नेचुरल इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसके लीव्स को. तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो नेचुरल सब्स्टिट्यूट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला गया है. फ्रीटी लॉरिया सिरहोसा, जिसको हम लोगों ने इंडेंजर्ड में डाला है, इसमें लिखा है इट इज़ अ रीजनेबल टू कंक्लूड अ डिक्लाइन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि इसकी 30% जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो चुकी है 22 से 26 साल के बीच में. और ये मतलब कि इसका जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, और इसकी जर्मिनेशन जो है वो कम हो चुकी है, पोटेंशियल कम हो चुका है हाई, इसकी ट्रेड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग प्रेशर है इसके ऊपर एंड इलीगल ट्रेड भी इसका काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इस वजह से इसको वल्नरेबल स्पीशीज़ में डाला गया है. मतलब पहली बात कि जो रेट, इसका जो रेट ऑफ डिक्लाइन है मतलब ये कम हो रही है, 30% से भी कम हो चुकी है. अच्छा, कम होने के रीज़न क्या होते हैं? कम होने के रीज़न ये हो सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इसको मतलब लोग जो है नेचर से ले रहे हैं और उसका यूज़ कर ले रहे हैं, उसको यूज़ करके अब यूज़ इसका होगा तभी तो ले रहे हैं, है ना, निकाल ले रहे हैं नेचर से. तो यूज़ ऐसा है कि इसको इलीगली ट्रेड बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसकी ट्रेड वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो इसको जैसे कि अगर हम कोई नॉर्मल लीव्स लेते हैं तो उसको बेचेंगे तो हमें शायद पैसा ना मिले, बट इसको सेल करने पर हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, इस वजह से इसकी जो परसेंटेज है वो 30% से भी कम हो चुका है. इसका जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन पोटेंशियल वो काफ़ी पुअर है. मतलब अगर आप इसको जर्मिनेट करना चाहो, उगाना चाहो, तो वो जल्दी उगती नहीं है ये, ठीक है. तो इस वजह से भी अगर जो है उसको भी ख़त्म कर दिया गया तो फिर हमारे पास बचेगी ही नहीं. तो ये सारे रीज़न है जिस वजह से हम लोगों ने फ्रीटी लॉरिया सिरहोसा को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डाला है. चाइना में इसको एज अ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स की तरह या निमोनिया के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब जो कफ होता है ना,
कफिंग्स वगैरह, उन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तीसरी जो लिस्टेड स्पीशीज़ है वो है डैक्टी लोरहाइजा हैटागीरिया। इसे जो है वल्नरेबल स्पीशीज़ में डाला गया है। यहाँ पे जो फ्रिटिलारिया सिरोसा इसे वल्नरेबल में डाला गया एंड डैक्टिलोराइजा हैटागीरिया इसको जो है इंडेंजर्ड में डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरी है अपनी इंडेंजर्ड वाली डैक्टिलोराइजा हैटागीरिया, इसको सलम पंजा भी बोलते हैं। ये हैबिटेट लॉस की वजह से थ्रेटेंड है ना, और इनकी जो मतलब जैसे कोई जानवर है वो आके इनको खा जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, क्लाइमेट चेंज का इन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हमारे नेचुरल बींग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स, कुछ भी हो, सब अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसका यूज़ आयुर्वेदा सिद्धा में बहुत ज़्यादा है, यूनानी में बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ बाकी जगह पे भी इसको गैस्ट्राइटिस है ना, क्रोनिक फीवर वगैरह है, पेट दर्द है, स्टमक एक्स है, कफ है, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। कौन सा मेडिसिनल प्लांट है? डैक्टी लोराइजा हैटागीरिया, जिसको सलम पंजा भी बोलते हैं, और इसी वजह से इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग एडिटोरियल पे आ जाते हैं। इस एडिटोरियल में हम फिर से दोबारा बात करने जा रहे हैं, लास्ट सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस में हिंदू न्यूज़पेपर के हमने प्रॉपरली आधे घंटे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में मैंने फूड सिक्योरिटी को लेकर के बात करी थी। फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना, और दोनों के बारे में पूछा जाए तो हम सेम लिख सकते हैं आंसर्स। मैंने इसमें आंसर राइटिंग के सारे पॉइंट्स भी बताए थे स्पेशली, और सारी चीज़ें बताई थी। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, आई थिंक अराउंड 8th को मैंने अपलोड किया था, 7th या 8th को, तो इसको अगर आप देख लेते तो वो पूरा एक बेसिक स्टार्टिंग से लेके कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे कैसे क्या होता है, सब बताया फूड सिक्योरिटी को लेकर के। तो अब हम उसके आगे की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं जो इस आर्टिकल में दी हुई हैं। यहाँ पे बात स्पेशली करी गई है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की 2013 थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो, और तीसरा पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट। तो ये तीन लोगों के मिला जुला करके क्या चीज़ें हैं, पूरी न्यूज़ इन्हीं तीनों पे डिपेंड करती है हमारी। तो अभी बात की जाए तो रफली 800 मिलियन पीपल्स हैं हमारे यहाँ जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उन्हें फूड की सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है। कोविड लॉकडाउन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब PDS के जो क्रिटिक्स थे, मतलब जो बुराई करने वाले थे, वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की काफ़ी तारीफ करते हुए नज़र आए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वही जिसको हम COVID-19 लॉकडाउन बोल सकते हैं, जब सारी चीज़ें बंद थी, कुछ नहीं चल रहा था, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, तब भी गवर्नमेंट जो है लोगों को जिनके पास राशन कार्ड था उन्हें खाना प्रोवाइड करवा रही थी, फ्री राशन प्रोवाइड करवा रही थी, और कोविड के बाद भी जैसे जैसे असर देखा गया गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली प्रोवाइड किया। बट ऐसा कहना है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड था। गवर्नमेंट ने टाइम की सेंसिबिलिटी को देख करके कि इस टाइम पे बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत पैसों की कमी है, लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, लोग भूखे हैं, है ना, काम नहीं है, तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो जो 800 मिलियन पीपल्स थे उनको 5 किलोग्राम जो खाना प्रोवाइड किया जाता था उसकी जगह 10 kg फूड प्रोवाइड करने का एक नई, मतलब कि कह सकते हैं कि उस टाइम के लिए लॉन्च किया कि हाँ 10 kg प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये चीज़ें सिर्फ उनके लिए थी जिनके पास राशन कार्ड था। अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ राशन कार्ड होल्डर्स ने ही इस पैंडमिक में प्रॉब्लम्स फेस करी हो, कई और भी लोग हो सकते हैं जिनके बिजनेसेस खराब हुए होंगे, जिनकी जॉब्स गई होंगी, तो वो भी तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नीड में होंगे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? फिलहाल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कई पॉलिसीज़ लाई थी, बट इस आर्टिकल में बात सिर्फ पर्टिकुलरली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में करी जा रही है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका जो कवरेज रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो फ्रीज़ हो चुका है 2011 के ही रिकॉर्ड पर।
मतलब 2011 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो लोग राशन कार्ड होल्डर्स थे सिर्फ उन्हीं को पीडीएस का फायदा मिलना चाहिए ऐसा। दूसरा, गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है, मतलब कि लोगों का, देखिए इसमें ओवरऑल जो बात है ये लोगों का कहना है या सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप और लोगों को भी प्रोवाइड करवाइए, कोई भूखा ना रहे। और गवर्नमेंट का कहना है कि सर हम जो है बाउंडेड हैं बाय दिस एक्ट सेक्शन 3(2), मतलब सेक्शन 3 मतलब कि टू सेक्शन 3(2) ऑफ NFSA 2013। इसका ये कहना है कि जो सेक्शन 3 है और NFSA का 2013 का, वो ये कहता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 75% लोगों को मैक्स और 50% लोग अर्बन पॉपुलेशन के, मतलब शहरी क्षेत्र के 50% लोग मैक्सिमम और ग्रामीण क्षेत्र के 75% लोग मैक्सिमम इस पीडीएस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इनकी दिक्कत ये हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा लोगों को ये प्रोवाइड नहीं करवा सकते, है ना, ये गवर्नमेंट का कहना है। और लोगों का कहना है कि आप इससे ज़्यादा लोगों को दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। उसके अल्टरनेटिव भी निकालेगा लेकिन गवर्नमेंट स्टिल इसी पॉइंट को लेके बैठी रही। गवर्नमेंट का शुरू से लेके एंड तक यही रहा कि मतलब कि यहाँ पे जो एक लिमिट फिक्स करी गई है ना, इसको चेंज करना चाहिए। गवर्नमेंट बार बार इसी चीज़ पे पॉइंट करती रही। ओवरऑल ये पूरा एडिटोरियल इसी चीज़ पे बेस्ड है। सेक्शन 9 ऑफ NFSA ये कहता है कि जो कवरेज पर्सन्स हैं उसको कैलकुलेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट एज पर द सेंसस ऑफिस द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। अब स्टिल सेक्शन 9 क्या कह रहा है, पहले ऊपर कहा जा रहा है कि रूरल पॉपुलेशन के 75%, अर्बन पॉपुलेशन के 50% लोग को मिलना चाहिए। अब ये पॉपुलेशन डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करने वाले होंगे कौन, वो होंगे जो सेंसस होगा। सेंसस क्या, जो भी लास्ट सेंसस किया गया होगा, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 2011 का सेंसस अभी तक माना जा रहा है। बट ऐसा तो है नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ी नहीं होगी, बढ़ी होगी। लेकिन ये सेक्शन ऐसा कह रहा है, इसका जो NFSA का जो एक्ट है वो ये कह रहा है कि हमें सेंसस के अकॉर्डिंग ही देना है। तो गवर्नमेंट इन दो चीज़ को लेकर के बार बार पॉइंट आउट कर रही थी और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि इसको अमेंड कर दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, इससे दिक्कत आ रही है ना, इनडायरेक्टली। मतलब वो अगर डायरेक्टली बोलेगी तो लोग फिर कहीं ना कहीं उसका मिस कॉन्सेप्शन निकालेंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली कहना चाह रही है कि हमें इसको चेंज कर देना चाहिए, बस ये बता के कि हाँ यहाँ पे तो देखिए ये लिखा हुआ है, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसके बाद फिर वही सब बातें जो कि नॉर्मली चलती आ रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, पोस्टपोन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फिर बुराइयाँ शुरू हो गई। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, जैसे कि मैंने पहले सारी चीज़ें बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीज़ें बताई थी इनको। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, मैटर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डीले हो रहा है इसको चेंज कीजिए, आप जो है जो जिन लोगों को फूड नहीं मिल पाया है आप उनको भी प्रोवाइड करिए, इवन ये जितना भी रेस्ट्रिक्ट करे उसके अलावा भी, मतलब कि पीडीएस सिस्टम रेस्ट्रिक्ट भले करे लेकिन आप फूड प्रोवाइड करिए सबको, है ना। आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज का सहारा लीजिए, मतलब कि कोर्ट ने कहा कि आप इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है इसका क्या प्रोजेक्शन है, मतलब आप पता करिए कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और फिर उसके बाद लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए, है ना। फिर गवर्नमेंट वही सेम चीज़ जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट उन्हीं दो पॉइंट को लेके आई, सेक्शन 3 क्लॉज 2 और सेक्शन 9 को ऑफ NFSA एक्ट, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो रिड्यूसिंग कवरेज, मतलब कि गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट किया, आर्गूमेंट करते हुए ये बोला कि जो कवरेज रेशियो है इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट का जो एफिट, मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो फॉल्टी लॉजिक है कि जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, मतलब कि गवर्नमेंट का क्या कहना है कि पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हुई है ना, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन तो डिक्रीज हुई होगी, सीधी सी बात है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मतलब गवर्नमेंट का ये कहना था कि पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हुई है और वल्नरेबल पॉपुलेशन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब तो आप सबको पता होगा कि पूरी कंट्री की जो इनकम है वो निकाल लिया और उनको नंबर ऑफ सिटीजन से डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर इंसान की इनकम बढ़ गई, ये हो सकता है कि जितने रिच पीपल हैं सिर्फ उनकी इनकम बढ़ी हो और पुअर और पुअर हो गए हो। तो गवर्नमेंट ने
बस ये बोला कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो अगर हम इनके बेनिफिशियरीज मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो बेनिफिशियरीज हैं उनका जो एक रिजिड वॉल है, मतलब कि 75% रूरल में 50% अर्बन में, अगर हम इससे कम लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है। साथ ही साथ फिर मतलब कि सामने साइड से ये आया कि नहीं, अभी यहाँ पे आप ये तो बोल रहे हो कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हो कि जो हमारे पे इनइक्वालिटी है, इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया है, लास्ट लाइन में लिखा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये भी राइज हुई है। तो अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी राइज हुई, इसका मतलब जो पुअर है वो और पुअर हो गया, अब उनको खाना कैसे मिलेगा? अगर आप ये सोच लेते हो कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, हम खाना देना कम कर दें, तो पुअर तो और पुअर होता जा रहा है, रिच और रिचर होता जा रहा है ना? तो फिर ये एक यहाँ पे फिर डिबेट वाला टॉपिक वही आता है, और डिबेट तो हमेशा होते ही रहते हैं, सारे जो भी इशू आते हैं सब में डिबेट होते, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसमें भी होंगे, है ना? बट ये बात तो सही है कि इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर गवर्नमेंट ने इसके आइटम में बोला कि स्टेट की गलती है, बट स्टेट की गलती यहाँ पे नहीं है। स्टेट मतलब ऑब्वियसली स्टेट का थोड़ा बहुत रोल ज़रूर है, लेकिन ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो सेंटर स्टेट को फंड्स प्रोवाइड करें, एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करें, और उस एडिशनल फंड से बोलें कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिशियरीज हैं आप उनको ये प्रोवाइड करिए, मतलब कि आप उनको फूड प्रोवाइड करिए। तो ओवरऑल ये सेंटर की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेट को फंड्स दे और स्टेट उन फंड्स को सही बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम करे, है ना? अगर यहाँ पे सेंटर स्टेट को ब्लेम करती है तो एक तरह से गलत होगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे बात आती है कि जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था कि स्टेट को, तो फिर यहाँ पे मतलब ओवरऑल स्टेट को मतलब स्टेट इस पे जिम्मेदार नहीं है, इस पे सेंटर को ही एक्ट करना चाहिए प्रॉपरली, है ना? नेक्स्ट ये आता है कि अभी ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने कहा कि 800 मिलियन से जो पॉपुलेशन है इसको बढ़ा करके, मतलब बेनिफिशियरीज हैं पीडीएस के, इसको बढ़ा करके 900 मिलियन कर देना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो इन्होंने राशन को डबल कर दिया, मतलब कि वो 5 किलो से 10 किलो कर दिया, उसके करने का सिर्फ रीज़न ये था कि इनके स्टॉक में, क्योंकि इनके पास राशन बहुत ज़्यादा जमा हो गया था और इनके पास स्टोरेज का इशू आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने डबल राशन प्रोवाइड करवा दिया, ऐसा बोलना है लोगों का। लोग मतलब कौन? लोग मतलब कि जो कुछ पार्टीज हैं जो सेंटर के अगेंस्ट हैं उनका कहना है। और सीधी सी बात है, सेंटर हो या कोई भी हो, है ना, प्रॉब्लम्स हर चीज़ में होंगी, चाहे जितनी पॉलिसीज आ जाएं कुछ ना कुछ तो प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। तो हम इस वजह से टोटली ये नहीं कह सकते सेंटर गलत कर रही है। सेंटर ने, हमने देखा कि COVID-19 में बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टेप्स उठाए थे, लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस पैंडमिक को मैनेज भी किया था, और जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई थी वो भी कोई आसान काम नहीं था कि एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को इन्होंने कम से कम समय में कम से कम इन्फेक्ट करके लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई, और साथ ही साथ लोगों को सेव किया COVID-19 पैंडेमिक से। अभी भी कई नेशंस हैं चाइना जैसे जो इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लेकिन इंडिया अब इससे फ्री हो चुका है एक तरह से, हम देख सकते हैं। अब उसके केसेस ना के बराबर आते हैं, और आते भी हैं तो उन्हें ईजिली मैनेज कर लिया जाता है। तो इस वजह से सेंटर को यहाँ पे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि COVID-19 पैंडेमिक ने सेंटर ने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए। सेंटर ने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया, एंड वी शुड बी प्राउड कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ऐसे पैंडमिक्स को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। इसके बाद G20 कैन बी द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अल्टरनेटिव, मतलब कि G20 जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अल्टरनेटिव हो सकता है। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी G20 के बारे में क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या लॉसेस हैं, वो मैंने डिस्कस कर चुका है, बट स्टिल ठीक है, मैं फिर से इसको डिस्कस यहाँ पे करूँगा जिससे कि रिविजन भी एक बार हो जाएगा। बट उससे पहले देखते हैं कि आज का जो करेंट में कुछ न्यूज़ चल रही हैं वो सब क्या है। जैसा कि बीजेपी की विक्ट्री गुजरात में किस वजह से हुई, क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करी इनकी विक्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी तो थी ही गुजरात में। फिर करप्शन हैज़ इंक्रीज इन गुजरात येट बीजेपी प्रिवेल्ड, मतलब करप्शन गुजरात में बढ़ा बट फिर भी बीजेपी वहाँ पे प्रिवेल कर रही है, बीजेपी वहाँ पे तब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोदीज कैरिश्मा स्टिल ड्राइविंग वोटर्स, मतलब कि क्या मोदी का
जो एक चार्म है मोदी का, जो एक नाम है, क्या वो अभी भी वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए एनफ है या फिर बातें कुछ और हैं? वॉज प्राइस राइज एन इशू? क्या प्राइस राइज जो है इशू था या नहीं था? मतलब बीजेपी कई जगह हारी है, जस्ट एग्जाम्पल दिल्ली की बात करें, ओवरऑल बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट स्टिल दिल्ली में बीजेपी हार गई, आम आदमी पार्टी जीती एंड हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जीती और बीजेपी हार गई। तो क्या प्राइस राइज की वजह से, राइज होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि बीजेपी का जो अदर कंट्रीज़ है जैसे हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, क्या इन सब जगहों पे राइज ये जो प्राइस में बढ़ावट आई है क्या इसकी वजह से बीजेपी हारी है? बीजेपी हिंदू रेनबो, मतलब कि बीजेपी का हिंदू पे क्या एक वो रहा है, जैसे कि मुस्लिम्स पे क्या चीज़ें रही हैं, आदिवासीज कितना इनको पसंद किए, दलित्स कितना पसंद किए, ओबीसी, कोली, क्षत्रिय, पाटीदार, अपर कास्ट, मतलब ये सारे लोग कितना ज़्यादा बीजेपी की तरफ थे, कितना ज़्यादा वोट किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है ना। नेक्स्ट आता है, हाउ वेल द बीजेपी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फेयर्ड इन दिस इलेक्शन, मतलब कि गुजरात का जो डेवलपमेंट का मॉडल था वो कितना ज़्यादा इस इलेक्शन में बढ़िया रहा। फिर आता है, रेवड़ी और वेलफेयर गवर्नमेंट स्कीम डिलीवरी ब्रिंग्स विन फॉर बीजेपी इन गुजरात। तो हम यहाँ पे देखें, इन सारे अगर टॉपिक्स को अलग से हम लोग पढ़ते हैं तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक तो मैं कहूँगा कि नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्सपेक्टिव से किसी भी आर्टिकल को, किसी भी न्यूज़ को नहीं पढ़ना है। अगर हमें पढ़ना है कि बीजेपी की विक्ट्री गुजरात में क्यों हुई, तो हम इसके जगह पे ये पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि गवर्नमेंट एक मतलब किस तरह से एक स्टेट को और बेटर बना सकती है ना। प्राइस राइज एन इशू, तो किस तरह से जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं वो किस तरह से लोगों को दिक्कत दे रहे हैं या फिर अच्छे लगते हैं, ठीक है। करप्शन किस तरह से बढ़ रहा है ना, और उसके बाद क्या हिंदू रेन, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, इस पर हम बात कर सकते हैं। फिर रेवड़ी कल्चर या वेलफेयर गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी होती है जो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो क्या ये चीज़ें लोगों को लुभाने के लिए होती है या फिर सही में डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाती हैं और सही में एक अच्छे नेशन को, अच्छे स्टेट बनाती हैं, मतलब कि एक अच्छा स्टेट डेवलप करने में हेल्प करती हैं, तभी एक अच्छा नेशन बनता है ना। तो ओवरऑल हम इसको अलग से एक बार पढ़ेंगे, जैसे रेवड़ी कल्चर को या वेलफेयर स्कीम्स को अलग से पढ़ेंगे, हाँ। फिर उसके बाद गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, तो डेवलपमेंट का क्या मॉडल होना चाहिए उसे अलग से पढ़ेंगे। हम किसी पार्टी के रिस्पेक्टिव में अगर पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर पार्टीज तो पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हैं, क्या क्या चीज़ें अनाउंस करती रहती हैं, अगर हम सब पढ़ना शुरू करें तो वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा एक तरह से।